सबसे पहले सीधे जम्मू कश्मीर चलते हैं, जहां आर्टिकल 370 से मिली आजादी के बाद बदले कश्मीर के साथ नई सरकार आज बन गई है। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस शपथ समारोह में अपनी एकजुटता जरूर दिखाता नजर आया, जहां राहुल और प्रियंका मौजूद रहे। इसके अलावा अखिलेश यादव, संजय सिंह, लेफ्ट के नेता प्रकाश करात, डी राजा भी समारोह में पहुंचे, सुप्रिया सुले, कनिमोड़ी भी मौजूद रही। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद जहां साथी दल ये कहते आए कि गठबंधन में कांग्रेस लड़ेगी तो जीतेगी वरना हारेगी, वहां अब सवाल है कि यही एकजुटता क्या आगे के चुनावों में दिखेगी। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को, फारूक अब्दुल्ला साहब को, जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इंडिया अलायंस जीते, इंडिया अलायंस जहाँ जहाँ मजबूती से लड़ा है और खासकर रीजनल पार्टी जहाँ बहुत जिम्मेदारी के साथ लड़े हैं, वहाँ इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हुई है। हरियाणा का इलेक्शन एक लर्निंग इलेक्शन होना चाहिए, कि जो इलेक्शन ऐसा था कि जहां पर बीजेपी हार रही थी, हारते हुए चुनाव को वो जीत गए, और क्या कारण रहा वो विश्लेषण अलग है। हरियाणा से सीख लेके मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया अलायंस लड़ेगा और जीत हासिल होगी। सर आखिरी सवाल देखिए, उनको मुबारकबाद देने के लिए यहां आया हूं, हमारे को बड़ी खुशी हो गई, हमारी अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ इस्टेब्लिश हुई है, और इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है, हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। देखिए आज इंडिया अलायंस के सारे नेता यहाँ मौजूद थे शपथ ग्रहण समारोह में, और मैं मुबारकबाद देता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब को और उनके पूरे जो मिनिस्टर्स हैं उन सबको, कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सब लोग मिल के काम करेंगे। और आम आदमी पार्टी के हमारे एमएलए महराज मलिक वो भी आज शपथ ग्रहण में थे, हम लोगों ने सपोर्ट किया है सरकार को। तो महबूबा मुफ्ती हिस्सा नहीं रही इंडिया गठबंधन का, सीटों का बंटवारा हुआ नहीं उस हिसाब से, लेकिन अलग चुनाव लड़ने के बावजूद आज इस खुशी में वो शरीक रहे। बहुत अच्छा था, सारे तकरीबन इंडिया अलायंस के सारे लोग यहाँ पर थे, और अच्छा लगा, इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तमाम पोलराइजेशन करने के बावजूद यहाँ इंडिया अलायंस की सरकार बनी, और ये इशारा देता है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट।